विवेक बिंद्रा, मोटिवेशनल स्पीकर और बिजनेस कोच। आज एक अद्भुत स्टोरी बताऊंगा यूट्यूब के बारे में, कैसे अचानक तीन लड़के जिनको नौकरी से हाथ धोना पड़ा। याद है आपको, जब पेपैल को खरीद लिया ईबे ने, तो इन तीनों की नौकरी चली गई जो यूट्यूब के को फाउंडर्स थे। मजाक मजाक में यूट्यूब बन गया और आज यूट्यूब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सर्च इंजन और वीडियो वेब स्पेस पे दुनिया का सबसे बड़ा डिसरप्टर। सारे वीडियो मीडिया इंडस्ट्री को उन्होंने तहस नहस करके खत्म कर दिया। गूगल के सीईओ का तो कहना है कि यूट्यूब आने वाले समय में टीवी से कई गुना बड़ा होने वाला है। टीवी यूट्यूब के सामने बौना रह जाएगा। यूट्यूब में कंटेंट क्रिएटर भी आप ही हैं और व्यूअर भी आप ही हैं, जबकि टीवी बाय चॉइस नहीं चलता, बाय चांस चलता है, और यूट्यूब बाय चांस नहीं, बाय चॉइस चलता है। आप कंट्रोल करते हैं यूट्यूब को। चैड हर्ली, स्टीव चेन और जावेद करीम, ये तीनों जो पहले साथ में पेपैल में काम करते थे, तीनों ने अचानक एक बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करते वक्त ये यूट्यूब बना बैठे। प्रॉब्लम क्या थी उस समय, ये लोग कुछ वीडियोस को शेयर करना चाहते थे। एक शाम को बर्थडे पार्टी जो उन्होंने करी थी, स्टीव चैन ने और इन लोगों ने एक बर्थडे पार्टी करी, उसका एक वीडियो कर, क्योंकि शेयर करने का कोई ऐसा मॉडल ही नहीं कि इतने भारी वीडियो ये बर्थडे पार्टी की कहीं ईमेल पे जाता नहीं था। और ऐसे ही एक बार जावेद करीम जस्टिन टिम्बरलेक के साथ में जेनेट जैक्सन का एक वीडियो देखना चाहता था। ये वो जेनेट जैक्सन का वीडियो था जिसमें जस्टिन टिम्बरलेक उसके कपड़े एक्चुअली स्टेज पे उतार देता है और उसका एक्चुअली ब्रेस्ट ही बाहर आ जाता है। ये बड़ी सेंसेशन हो गया था उस समय यूएस के अंदर। अब ये जावेद करीम के मन में आया, मेरे को वीडियो देखना है, और उसके मन में वो एक्साइटमेंट था कि मेरे को वीडियो देखना है जेनेट जैक्सन। अब तब वीडियो का कोई, टीवी पे वीडियो दिखाना बैन कर दिया गया था, अब तब वीडियो का कोई सोर्स ही नहीं हुआ करता था, अभी कहां से देखे भाई वीडियो। तब इसके मन में आया, यार ऐसे कितने वीडियो लोगों के देखने का मन करता है, तो वो वीडियो कैसे, तो इसीलिए यूट्यूब की स्थापना तभी इन लोगों ने करी। उसकी तो बाकी दो पार्टनर थे, उनको सुनामी की चिंता थी कि सुनामी में किसी ना किसी ने, तो जब भी कोई ऐसी बड़ी दुर्घटना या घटना होती है दुनिया में, किसी ना किसी के हाथ में कैमरा होता है, लेकिन वो वीडियो शेयर कैसे किया जाए। ध्यान दीजिए, दुनिया के सबसे बढ़िया प्रोडक्ट प्रॉफिट को देख के नहीं बनते, दुनिया की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनते हैं। और यही तीनों पार्टनर्स आए और इन्होंने पीएसपी, ध्यान दीजिए, कमाल, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट। अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट बनाया, प्रॉफिट की चिंता मत करिए, बिजनेस अपने आप आएगा। और अगर प्रॉफिट की चिंता करते रहे तो सेल में लगे रहोगे, ना बिजनेस बढ़ेगा ना प्रॉफिट बढ़ेगा। एक्चुअली ये सीधा यूट्यूब पर नहीं पहुंचे थे, इनिशियली तो उन्होंने ट्यून इन हुकअप नाम की एक ऑनलाइन डेटिंग साइट चालू करी थी। शैतान थे, सोच रहे थे लड़का लड़की एक दूसरे को कैसे मिले, एक ऑनलाइन डेटिंग साइट बनाते हैं। ने भी याद है आपको हॉट और नॉट बनाया था, लड़का लड़की फोटो पे एक दूसरे को कंपेयर करेंगे, एक है हॉट एक है नॉट, इन्होंने वैसा ही बनाया ऑनलाइन डेटिंग साइट। गर्लफ्रेंड ढूंढ रहे, नहीं मिल रही, अच्छी गर्लफ्रेंड चाहिए, स्मार्ट चाहिए, आओ ऑनलाइन डेट। ये लंबा नहीं चला, तब इन्होंने चेंज करके एक ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म तैयार किया और इनफैक्ट उस पे कंटिन्यूअसली इतना अच्छा काम किया कि एक सर्वे बताता है 77% व्यूअर जब यूट्यूब पे एक वीडियो देखने आता है, 7 और देख के जाता है, और 22% व्यूअर ऐसा है जो एक देखने आता है, 14 वीडियो देख के जाता है। ये यूट्यूब के सर्च के जो डायनामिक्स इन्होंने एल्गोरिथम से बनाया है, अमेजिंग। बेसिकली ये डिफरेंस है प्रोजेक्ट वर्सेस प्लेटफॉर्म का। प्रोजेक्ट क्या होता है, एक आम व्यापारी गलती क्या करता है, ध्यान दीजिए, आपके लिए लर्निंग किया इसमें, हाँ आप वीडियो देख रहे हैं, मेरे वीडियो में लर्निंग जरूर होती, खाली किस्सा कहानी नहीं। आप नॉर्मली पूरी दुनिया प्रोजेक्ट बनाती है, प्लेटफॉर्म नहीं बनाती। माल दो पैसा लो, माल दो पैसा लो, माल दो पैसा लो, इसको क्या बोलते हैं, प्रोजेक्ट, ट्रांजैक्शनल बिजनेस। लेकिन ये माइक्रोसॉफ्ट, ये गूगल, ये फेसबुक, ये वॉट, ये जितने भी दुनिया के बड़े ब्रांड है, ये प्लेटफॉर्म क्रिएट करते हैं। जीव जीवस्य जीवनम, शास्त्रों में बताया गया, जब एक जीव दूसरे जीव पे अपने जीवन के लिए निर्भर हो जाए, उसको बोलते हैं इकोसिस्टम। वन मोर टाइम, कम ऑन, क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम। यूट्यूब एक प्रोजेक्ट नहीं है, वो एक प्लेटफॉर्म है, एक इकोसिस्टम है जिसमें सारे ही कमा खा रहे हैं, सभी का फायदा हो रहा है। क्या हुआ, यूट्यूब पहले बना, अब इन्होंने कंटेंट क्रिएटर को ढूंढा, कौन वीडियो डालेगा भाई, आओ आओ आओ, कौन वीडियो डालेगा। कंटेंट क्रिएटर आया तो कंटेंट कंज्यूमर भी आ गया। अब कंटेंट क्रिएटर के पीछे पीछे, अरे क्या बढ़िया बढ़िया वीडियो दिखा रहा है यूट्यूब, तो कंटेंट कंज्यूमर। अभी कंटेंट कंज्यूमर आया ही था कि जिसके पास जनता है उसकी दुनिया सुनता है, अब एडवर्टाइजर भी आ गया है जी। अरे इतनी जनता, टीवी की एड महंगी पड़ती है, यूट्यूब की एड सस्ती पड़ती है, लाओ भाई यूट्यूब पे एड पे खर्चा करेंगे। बड़े बड़े ब्रांड्स आज टीवी को छोड़ने लगे हैं, प्रिंट को छोड़ने लगे हैं, यूट्यूब पे आ गए, क्योंकि यूट्यूब पे उनको कॉस्ट पर एक्विजिशन सस्ता पड़ रहा है।
टीवी पे जो एड है वो किसको दिखानी है समझ में नहीं आ रही, लेकिन यूट्यूब पे टारगेटेड ऑडियंस को अपनी एड दिखा के वो अपने सही कस्टमर को एक्वायर कम रेट पे कर जाते हैं, उनका कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन सस्ता पड़ता है। अब क्या हुआ जी, यूट्यूब के नोट आने लगे जेब में, यूट्यूब ने और मदद करनी शुरू कर दी। किसकी मदद करी? कॉन्टेंट क्रिएटर की। वो क्या कहता है, मैं आपको ट्रेनिंग दूंगा कॉन्टेंट कैसे क्रिएट करना है। YouTube ने अलग अलग शहरों में अपना स्टूडियो बना दिया है कि आप आओ हमारे स्टूडियो को यूज करो और यहाँ वीडियो बनाओ। YouTube ने सर्टिफिकेशन देने शुरू कर दिए, मैं ट्रेनिंग करके आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा दूंगा कि आप और बढ़िया वीडियो बना सको। YouTube ने सपोर्ट सिस्टम चालू कर दिया, हेल्पलाइन सिस्टम चालू कर दिया, ईमेल पे आज मदद कर। तो YouTube पूरी जान लगा रहा है कि कॉन्टेंट क्रिएटर बढ़िया कॉन्टेंट दे। अब इसको बोलते हैं